हो गए हो बोर आप मशरूम की वही पुरानी सब्जी खाकर, तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा एक बार। मंचूरियन खाना पसंद करते हो तो जरूर बनाना मशरूम को एक बार, इस तरीके से बहुत पसंद आने वाला है आपको। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल हरिमंस वर्ल्ड में। तो चलिए सबसे पहले हम कट करते हैं अपनी सभी वेजिटेबल्स को। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को स्क्वेयर शेप में काटा है, छोटा रखना है लेकिन स्क्वेयर शेप में रखना है, और अनियन की रिंग्स बना लेनी है, बारीक नहीं चॉप करना है। बाकी सभी वेजिटेबल्स को हमने बारीक चॉप किया है, जैसे हमने पत्ता गोभी, गाजर और स्प्रिंग अनियन, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। मशरूम का जो पीछे वाला पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर लेना है और बारीक चॉप कर लेंगे, और जो मशरूम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब बारी आती है मशरूम को कोट करने की, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच बेसन लिया है, काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, स्वाद अनुसार नमक। सभी को अच्छे से मिक्स करके एक बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, बस बढ़िया से मशरूम को डीप फ्राई कर लेंगे। मशरूम फ्राई हो चुके हैं, अब बारी आती है इसकी ग्रेवी तैयार करने की। तो चलिए, यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है, जिसमें बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और प्याज, सभी को अच्छे से पहले भूनेंगे। जो वेजिटेबल्स हमने चॉप की थी, जैसे शिमला मिर्च, अनियन, बारीक कटा हुआ गाजर, पत्ता गोभी, सभी वेजिटेबल्स को हम इसमें ऐड कर लेंगे, साथ ही साथ स्प्रिंग अनियन भी, ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च आप जरूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर। अब बारी आती है सभी सॉसेस को रेडी करने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टमाटो केचप थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए, 1 चम्मच शेजवान चटनी, ऑप्शनल है आप चाहे तो नहीं भी ले, और 1 चम्मच विनेगर, साथ में चिली सॉस भी आप जरूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सभी सॉसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच पानी भी ऐड किया है सभी सॉसेस को डाइल्यूट करने के लिए, और बढ़िया से तैयार है। सब्जियां भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे जो हमने रेडी करी थी। एक बढ़िया सा कलर हमारी वेजिटेबल में आ चुका है, साथ में हमने यहाँ पर मैदा की स्लरी भी ऐड करी है, ताकि ग्रेवी जो है वो थिक हो सके। 1 बाउल पानी भी आप ऐड कीजिए, और अगर आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कीजिए। साथ ही साथ जो मशरूम हमने फ्राई किए थे वो आप इसमें ऐड कीजिए। ऊपर से सफेद तिल जरूर ऐड कीजिए, और बढ़िया से आपके चिली मशरूम बनके तैयार हैं। जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही कम समय में आपके शानदार मशरूम बनके तैयार हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, जो कि है हरिमंस वर्ल्ड। वाओ।